सर ये एडवांस बुकिंग में लो परसेंटेज जो दिखाई दे रहा है, क्या इसके पीछे हैशटैग बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा हो सकता है? इस पर देखिए, आपका क्या टेक है? मैं ऐसे कई बार हुआ है जब बॉयकॉट ट्रेंड चला है, और ऐसा कई बार हुआ है जब बॉयकॉट हैशटैग चला है, और मैं ये डिनाई नहीं करता कि कुछ हद तक फिल्मों को फर्क पड़ता है, बट इवन क्योंकि कंटेंट देखता है। अगर आप देखें, मैं सबसे बड़ा एग्जांपल अभी रिसेंटली था, जब एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था कश्मीर फाइल। हाँ जी, छोटी छोटे बजट की फिल्म थी, पर जिस तरह से इसने अपने पहले दिन से रफ्तार को दूसरा दिन, फिल्म इंडस्ट्री के भीतर और बाहर सभी चटक रह गए कि हो क्या रहा है, और उसने बड़ी बड़ी फिल्मों को पछाड़ा। उसी हफ्ते रिलीज हुई थी डॉक्टर राधे श्याम, उसके एक हफ्ते बाद दर्शन पांडे, उसके एक दो हफ्ते बाद आर 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 से तब तक आई थी, तब तक उसका मोस्टली बिजनेस हो गया था, फिर भी वो डट के खड़ी रही थी। कहने का मतलब ये, कंटेंट अच्छा होगा ना, बजट तो माइंड नहीं रखता, या पेट वाली से बारे में, कंटेंट अगर अच्छा होगा तो वो जरूर 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 कामयाब होगा। डायलॉग था डर्टी पिक्चर का, एक बहुत मशहूर डायलॉग था डर्टी पिक्चर का, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। और अगर आप दर्शकों को एंटरटेनमेंट नहीं देंगे तो हाउसफुल बोर्ड तो दूर की बात है, कैंसिलेशन ऑफ शो शुरू हो जाए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक आखिरी सवाल बस पूछना चाहिए, बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा सर। बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन डे वन की अगर बात करें सर, तो जस्ट एक एक रॉ कैलकुलेशन, आपको क्या लगता है कि लाल सिंह चड्ढा कितना कर पाएगी? अनुमान लगाना थोड़ा ना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी शोज दिए जा रहे हैं, अभी भी स्क्रीन की जो है, तो क्योंकि दो पेमेंट की जरूरी है, तो आपस में थोड़ा बहुत दिया जा रहा है इसको, फिर इसमें शोज अलॉट किए जा रहे हैं, इसको इसमें दिए जा रहे हैं, तो अभी तक कहना मुश्किल है। और जिस तरह से एडवांस बुकिंग है, पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि करंट बुकिंग पे निर्भर करता है, तो करंट बुकिंग में सारा जो सेल है वो बढ़ेगा। जो आज शायद कमजोर लग रही है हमें दोनों फिल्म, शायद इस वक्त बहुत अच्छी पोजिशन में लगे, बट मेरा ऐसा मानना है कि लाल सिंह चड्ढा मल्टीप्लेक्सेस में काम कर, मल्टीप्लेक्सेस की बात कर रहा हूँ मैं, प्रीमियम बट मेरा ऐसा मानना है कि लाल सिंह चड्ढा खास कर, और मैं प्रीमियम मल्टीप्लेक्सेस की बात कर रहा हूँ, यहाँ तक थोड़े आगे निकलेगी। रक्षाबंधन से भी उसको कम मत समझिए, क्योंकि रक्षाबंधन भी एक टाइटल ऐसा है, इमोशन है उसके लिए, कहानी अच्छी है, तारता बहुत अच्छी है, और एक भाई बहनों की कहानी जो दिल को छू जाती है। मुझे मुझे अक्षय ने इसके प्लॉट के बारे में थोड़ा आइडिया दिया था, तो मुझे मालूम है, बट अब पर्दे पे देखेंगे कैसी फिल्म है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों फिल्में कामयाब होना बहुत जरूरी है, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये फिल्में कामयाब नहीं होंगी तो भगवान ना करे तो बुरे हाल में होगा फिल्म इंडस्ट्री। ओके सर, सर सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ सर, सून वी विल कैच इट सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।